हेलो, तो गुड डे गाइस। हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन एश ग्रे वर्जन। तो आप लोग को याद होगा हमने पिछले एपिसोड में क्या किया था ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद में वीडियो डाल रहा हूँ तो याद नहीं है। ये क्या हो रहा है? फाइट हो रही है क्या यहाँ पे? ओ भाई, ये फाइट कर रहे हैं, मतलब हम बात करेंगे तभी अटैक करेंगे। तो फिर देखते हैं हम। वाह, ये देखो टैकल, अटैक टैकल के साथ, टैकल के अलावा दूसरा अटैक ही नहीं आएगा इनको। वाह, पेक अटैक भी ऐसा होता है क्या? तो हमें तो बता ही नहीं था। तो इनकी ये फाइट ऐसी चलती रहेगी शायद, लेकिन हमें तो मज़ा आ रहा है भाई इनकी फाइट करवाने में। तो जल्दी से निकलते हैं हम लोग यहाँ से एक्सप्लोरिंग करने के लिए थोड़ा सा। हाँ, हमारे पास 3 बैच तो हैं वैसे भी और पैसा भी है, तो चॉपिंग वॉपिंग करें क्या पहले? ओ भाई, ये कौन ले? कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लकी, वे लकी, यू गेट टू गो ऑन अ सुपर डिलक्स सी क्रूज। वेल, इट्स लाइक यू नो वी हैव दिस इनक्रेडिबल सुपर कूल टिकेट्स फॉर यू। कूल, दिस आर टिकेट्स फॉर द बिगेस्ट पार्टी एवर और बोर्ड द एसटीएन क्रूज लाइनर। कूल, एंड इट्स सो फॉर ट्रेनर्स ओनली। ओके डूड, देयर इज योर टैकल। कूल, ये क्या है यार? कूल क्या लगा रखा है? तो एश रिसीवर सी ए टिकेट इन द की आइटम पॉकेट। We have to like go out with our boyfriend, but we wanted to give our tickets to a cool Pokemon fan. Cool, भाई ये बोलना बहुत, ये बोलना इनके लिए यही है क्या डायलॉग लगता है? तो just take them, have a nice day for sure. झाड़ियों में फेंक के चले गए दोनों लड़के हमको। शायद हमें कोई शिप की टिकट मिली है, तो देखते हैं, ये शायद शिप का ही रास्ता है। वेलकम टू एसटी, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ टिकट? एश फ्लैशेड द टिकट। ग्रेट, वेलकम टू एसटीएन। तो हम फाइनली शायद जहाज में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं अंदर चल के। अंकल जी से थोड़ी सी बात करते हैं। तो द पैसेंजर आर रिजल्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग वे। पढ़ने तो दिया करो भाई। ओ, तो शिप निकल गई है हमें लेके, मतलब शायद हमारा ही इंतज़ार कर रही थी ये। तो शिप के साथ हम लोग भी चलते हैं। बहुत स्लो जा रही है यार ये शिप। तो यहाँ पे हमारी प्यारी नर्स जॉय बैठी है, तो पहले पोकेमोन की हेल्थ देखते हम लोग। तो 3-4 पोकेमोन फेंट हो चुके, तो इनसे हीलिंग कराते पहले। अच्छा, सामने की तरफ से बात करनी है। हेलो, आई एम द पोकेमोन बैक टू परफेक्ट हेल्थ। यहाँ पे कोई मशीन तो नहीं, फिर हेल्थ कहाँ से रिवाइव करेगी भाई? ठीक है, हमने पोकेमोन हील तो करा लिया। यहाँ पे कमरा है, इसके अंदर चल के देखते हम लोग। ओ भाई, यहाँ पे तो खाना बन रहा है, तो देखते हैं भाई। इसकी टेस्टी स्मेल आ रही है, तो हमारा पेट में चूहे कूद रहे शायद ऐश के। यहाँ पे कोई आइटम पड़ा है क्या? और अभी जाने दे बुड्ढे। ओ भाई, यहाँ पे कुछ मिला है मुझे, ग्रेट बॉल मिला है, इन द पॉकेट बॉल। और कुछ नहीं है क्या यहाँ पे घूमने के लिए? यहाँ पे कोई अंकल जी कुछ भेज रहे शायद। मैन, बॉय, हे यू बॉय, आई वांट यू द टिक, लुक दिस पोकेमोन। कौन सा पोकेमोन है भाई? द किंग ऑल कार्प जस्ट बिटवीन मैजिक कार्प इज लाइक पोकेमोन गोल्ड माइन। मैजिक कार्प लेज 1000 eggs at a time. Each of the Magikarp lays 1000 more, and 1000 times 1000 more equal to 1,000,000. You can seal on Magikarp for 500 in 3 generations. You.
हैव टन्स ऑफ मनी, शो हाउ अबाउट इट वर्ल्ड यू लाइक टू, हम तो नहीं खरीदेंगे ये, तो ये शायद हमारे जेम्स को बेचेगा ये, एनिमे में तो वैसा ही होता है, तो हम नहीं खरीदेंगे यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते, यहाँ पे भी कुछ कमरे हैं, तो देखते हैं, हम कमरों के अंदर जा जा के देखेंगे। यहाँ पे बस अकेले अंकल बैठे कुर्सी पे, तो और ये हमारी फाइट यहीं पे शुरू हो गई। तो लालच के चक्कर में हमने एक फाइट मोल ले ली है, तो इनका भी खेल ख़त्म करते क्योंकि इनके पास बस एक ही पोकेमॉन है, वो भी माचॉप, और हमारा पिकाचू थंडरशॉक पे अभी बैठा हुआ है। 2020 के मैच हो रही है, तो पिकाचू ने उसे शायद पैरालाइज्ड कर दिया है, तो स्टैटिक पैरालाइजेशन। एक और थंडरशॉक ले और चलता बने यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है अभी, तो हम पुकट का माल उठाएंगे और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं हम लोग भी। तो 640 रुपये बेच के हमें यहाँ से निकल गया, तो मैं जा रहा हूँ ये पोकेबॉल उठाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पोकेबॉल में क्या है। स्टारडस्ट मिली है हमें शायद इस पोकेबॉल में, तो एक एक कमरा चेक करेंगे व्यास। तो हम लोग यहाँ पे एक दादाजी खड़े हैं, आई लॉस्ट माई ओल्ड हैच बैक इन द डे आई यूज द चॉप डाउन स्मॉल, अंकल का क्या खो गया है। सो आई गेस आई डोंट रियली नीड इट, शायद उनकी लकड़ी खो गई है, इस लकड़ी बोलते शायद उसको। यहाँ पे अगर मैं बॉल उठाने जाऊँगा तो ये लड़की मुझसे फाइट तो करेगी भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी फाइट तो करनी पड़ेगी। माई ग्रैंड फादर इज अ लिटिल, पढ़ने ही नहीं दिया हमको तो। लेस डॉन सेंट रैकिटा, तो हमने भी हमारा पिकाचू भेज दिया है, और ये पिकाचू का पहला क्विक अटैक, और ये पहले अटैक में रैकिटा फेंट हो चुका है, तो दूसरा पोकेमॉन भेज जल्दी से, ये हार गई। अच्छा है, एक और पोकेमॉन है शायद उसके पास, तो मैं भेजता हूँ पिजोटो को। तो उसने भी पिकाचू भेजा है, तो हम पीजी ऑटो से हमें भी काम चलाना पड़ेगा भाई। भैया हमारे पास अभी कोई पावरफुल अटैक है तो नहीं, गश्त पे अटैक काउंट, मतलब गश्त पे अटैक करते हैं हम लोग। पिजोट मेरा मतलब पिकाचू अटैक ही नहीं कर रहा, बस टेल विप कर रहा है, इससे कोई हम थोड़े डिफेंस अटैक करने वाले। तो पिकाचू ने भी हम पे क्विक अटैक कर दिया है, और ये पिकाचू भी फेंट हो चुका है, तो हम लोग पोकेबॉल उठाते और ऐसे चलते बनते जल्दी से। एज कॉट 2088 रुपीज हमने उठा लिए, तो यहाँ से जल्दी से निकलते, एक्सकटर मिल चुका है हमें, तो यहाँ पे भी देखते चल चल के। अंकल जी फाइट करोगे, मतलब जहाँ पे कोई आइटम पड़ा है वहीं पे फाइट करते हैं लोग शायद, इस तरफ से भी कोई रास्ता है क्या, यहाँ पे कोई आइटम तो नहीं पड़ा, इस तरफ चल के देखते हैं हम लोग कौन से रूम है यहाँ पे। शायद ये हमारे कैप्टन हैं, तो कैप्टन आई एम द कैप्टन ऑफ द एसटीएन, द एसटीएन द ग्रेटेस्ट क्रूज लाइनर इन द वर्ल्ड, डूबी तो बहुत मारूंगा बुड्ढी में तेरे को, नथिंग क्लाउड ब्रिंग हर डाउन। तो अंकल जी कह रहे हैं अभी कोई मौसम की खराबी तो नहीं है, फिर भी मुझे बहुत गड़बड़ तो लग रही है यहाँ पे, तो चल चल के देखते हम लोग
यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे मैं शायद पहले भी आ चुका हूँ। ऊपर चल के देखते हैं पहले। यहाँ पे एक अंकल जी घूम रहे, तो पूछ लेता हूँ उनसे कुछ। अंकल जी, अरे अंकल जी सुनो, पास द सेल हॉल द मेन डिक, इफ यू फील लाइक स्मेलिंग द सी एयर दैट्स अ प्लेस टू बी। भाई समंदर की हवा, तो इसे शायद खुशबू आ रही है समंदर की हवा की, हमें तो कुछ खुशबू तो नहीं आ रही। या इसे कहाँ से खुशबू आ रही है भाई, नाक में कुछ चला होगा। फिर से चेक कर, हम लोग निकलते हैं ऐसे, याद से नाक ठीक करवा लेना। तो यहाँ पे एक अंकल जी है, तो शायद हमें इसे फाइट करने, और ये हमारे बटरफ्ली को ट्रेड करते हैं ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो चलते हैं इनसे फाइट करते हैं। As you wish, sorry, as you wish बोला वो। Gentleman Brooks sent out rat ticket. तो हमने हमारा भी चूहा भेज दिया है, तो हमारा चूहा उससे अच्छा लग रहा है। तो मुझे बटरफ्ली यूज करना था, लेकिन मैं यूज तो कर रहा हूँ दूसरा पोकेमोन। हमारा पिकाचू फेंट हो गया और हम दूसरा पोकेमोन यूज करेंगे अभी। पीजे ऑटो को भेजता हूँ, क्योंकि बटरफ्ली लड़ने की हालत में तो नहीं लगता इससे। तो इसी के साथ बटरफ्ली का पहला अटैक गस्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये रेटिकेट फेंट नहीं हुआ शायद, हो गया। और पीजी ऑटो की भी एक्सपी मिल चुके हैं हमें, तो हम लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं इस मैच से। अंकल जी से पैसे लेते फोकट वाली 1760 रुपये। सो व्हाट डिड यू थिंक माई ऑफर रेटिकेट, प्रिटी गुड। क्या लिखा है, EH हरी का शायद। इन दैट केस विल बी डायरेक्ट वे डोंट वी ट्रेड। वे हम तो ट्रेड नहीं करने थे। व्हेन टू योर पीपल फाइंड दे इट्स लाइक द अदर्स पोकेमॉन, द पोकेमॉन दे ट्रेड देम, इट्स क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस एवरीवेयर। व्हाट डू यू से, विल ट्रेड योर बटरफ्ली फॉर माई रेटिकेट। भाई हमें ट्रेड तो नहीं करना, ठीक है, बाद में वापस देगा या नहीं बुड्ढा हमें तो नहीं पता, तो ट्रेड नहीं करते। और यहाँ से चलते बनते हम भी। आइटम पॉकेट द बैग सेलेक्ट इज यूज, सॉरी गलती से बटन दब गया। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो जाके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो गुड बाय।